के इल्तवा नंबर एक, मैं असेंबली कवायद इंजबात कार मजरिया 1974 के कायदा नंबर 70 के तहत जेल तहरीक इल्तवा का नोटिस देता हूँ। तहरीक ये है कि चमन के ड्यूरिन लाइन के तजारती रादारी की मुसलसल बंदिश के खिलाफ चमन के गयूर अवाम गुज़श्ता 2 माह के जायद अरसे से सरापा एहतजाज है, जबकि मुरख़त 30 जुलाई 2020 को FC की जानिब से पुरामन निहत्ते मासूम और बेगुनाह शहरियों पर बिला जवाज अंधाधुन फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 6 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए, जिसकी वजह से चमन के आवाम में सख्त इस्तराब और गम गुस्सा पाया जाता है। लिहाजा असेंबली की आज की कार्रवाई रोक कर इस अहम और फौरी अवामी नौयत के हामिल मसले को जेर बहस लाया जाए। थैंक यू। तहरीक इल्तवा बहस के लिए मंजूर की जाए। वो तो नहीं है। आप लोग मुझे बात करने का मौका दें, इसमें आप लोगों की नौयत तहरीक इल्तवा की और इसकी नौयत में फर्क है। नौयत एक ही है, इसमें सिर्फ सौदा हुआ है, इसमें लोग मारे गए। मैं आपको बस, आप मुझे सुने, आप सेक्रेटरी साहब से पूछ ले, अगर वो कर सकते हैं तो आप कर लें। देखो बॉर्डर के हवाले से जो सिचुएशन जो असल पैदा हुई, हम उस पर अगर बहस करना चाहते हैं तो हम बहस भी करेंगे, हम जवाब भी देंगे। हमने क्या किरदार अदा किया, हमने उन लोगों के साथ क्या हमदर्दी की है, हमने पूरी कमेटी तश्कील दी है, हमने यहाँ पे जो सौदा ले सकते। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं कि वो इसी नौयत की तहरीक इल्तवा थी, आप इकट्ठा करके बहस के लिए मंजूर कर लें। इसमें अगर इनको इतराज है तो कह दे कि हम इतराज है। आपको मौरिक नसरुल्लाह खान जेर साहब है, और आप लोगों की तहरीक इल्तवा जो थी वो निपटा दी गई थी। निपटा नहीं, वो निपटा इसलिए गई कि आपने रूलिंग अगर दिया है तो गलत दिया है, वो कोरम टूट गया। कोरम टूटने से तहरीक इल्तवा निपटा नहीं दिया जाती। फिर उस तहरीक इल्तवा को अगर कोई कार्रवाई के दौरान, आप मुझे सुन ले, तमाशे जुड़े इसमें यह था कि अगर आज कोरम टूट जाए तो क्या ये जो एजेंडा है ये खत्म हो जाता है? साहब मैं पूछना चाहता हूं, आपको जवाब देता हूं, मुझे जवाब दे दे, मैं आपको जवाब देता हूं। अगर ये एजेंडा जब प्रोरोग्ड हो जाता है उसमें सब कुछ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरी रिक्वेस्ट पे इस चीज को इकट्ठा कर लें। तो मौरिक नहीं करना चाहता, मौरिक नसरुल्लाह खान जेरे, देखो इसमें ये करारदादे हैं, ये अगर कोरम टूट जाए। स्पीकर, मेरे फाजिल दोस्त साहब उस दिन इजलास का 17 तारीख को इजलास का आखिरी दिन था, अगर आपको याद हो, हम यहाँ बैठे हुए थे, अपोजिशन मुकम्मल बैठी हुई थी, और सामने हुआ कार्रवाई को आगे ले जाते हैं। मेरे ख्याल से उसमें तमाम एजेंडा जो है ना वो डिलीट हो जाता है। आज दूसरा इजलास है, इसमें लोग मरे, हम आ गए। मंजूर किया 10 तारीख को, 10 तारीख को, भले जनाब स्पीकर, मिनिस्टर साहब 10 तारीख को 1 घंटा बहस करें चमन पे, हमें खुशी होगी। जनाब मोहम्मद अकबर मेंगल साहब रुकन असेंबली की जानिब से तहरीक इल्तवा नंबर 2 मौसूल हुए कवायद उनज़ाबातकार बलूचिस्तान सूबाई असेंबली मजरी साहब है, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी 10 तारीख को यकीनन वो बहस करेंगे, एज ए मिनिस्टर भी, एज ए पार्टी भी, हम भी बहस करेंगे, हमारे अपोजिशन लीडर भी बहस करेंगे, बाकी भी बहस करें, फिर हम उसमें तजावीज़ देंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लिहाजा ये 10 तारीख को हम तमाम चमन के अवाम पे, मुझे इतराज नहीं है, हम तो आपके तहरीक इल्तवा पे आपके साथ हैं। मैं अपनी तहरीक इल्तवा की बात, हम समझते हैं पार्टी के, आपके पार्टी, एक मिनट में नहीं, हमारे हमारे मंजूरी के बगैर क्यों उसको, आपका क्रेडिट जो था वो चला गया, अब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अजीत साहब, आप क्रेडिट ना करें, अजीत साहब
आपका एक सवाल है जो किस सेशन के 18 फरवरी 2020 का सेशन खत्म होता है, दूसरे सेशन में फिर इसको वापस ले आते हैं। समर खान आप तशरीफ रखे इस पर मजीद, मेरे ख्याल से आप तशरीफ रखे, अभी ये नहीं हो सकता जो उधर से ऑर्डर देते हैं। ये स्पीकर बना हुआ है, स्पीकर से बात कर रहा हूँ, मेरी भी एक करारदाद थी जनाब स्पीकर, आप दोनों को स्पीकर ने आप दोनों को स्पीकर ने बात करने की इजाजत नहीं दी है। मेरी भी करारदाद थी, उस करारदाद को भी आज लाया जाए। शुक्रिया। करारदाद भी मंजूर हो, ये उसी दिन में निकल के गए थे, परवाह नहीं हूँ मैं, ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अभी ये है कि हमारे हमारे तहरीक इत्तेहाद को सिरे से कंसीडर किया जाए। इसको एक बार फिर इस तारीख इत्तेहाद को उस तारीख इत्तेहाद की तरह ये आयोजन करना चाहता है, दोबारा कंसीडर किया जाए। आप इसको क्लिप ऑर्डर सेक्रेटरी साहब आप उनको कह दें, अगर नहीं करना चाहते हैं फिर ये राय शुमारी कर लें, राय शुमारी कर ले, जो नहीं करना चाहते है वो ना करें, राय शुमारी ले लें, स्पेशल परमिशन ले रहे, अगर नहीं करना चाहते हैं ना करें। इस मामले के लिए जिस पार्टी ने तग दू की है, जिस पार्टी ने कोशिश की है, जिस पार्टी ने तहरीक इल्तवा पहले पेश की है और जिस पार्टी को ये एहसास थे पहले से इस मामले का, वो एएनपी था, लेकिन आज कोई क्रेडिट और ले रहे, ये कोई सादा बात नहीं है। इस मामले में एएनपी ने एक अहम किरदार अदा की है, इस मामले के लिए एक कमेटी बन गई इनकी रिक्वेस्ट पे, जनाब स्पीकर, मैं कहना चाह रहा हूँ जो आपकी कमेटी गई थी गवर्नमेंट की कमेटी में, मामला जब नहीं किया है, पानी जब सर से गुजर गया, लाशों पे सियासत कर रहे हैं, लाशों पे तो आपका वजीर दाखिला एक है, उन्होंने उस जो उनके साथ करारदाद हुई थी, उनके साथ जो माहिदा हुआ था, उस पर इन लोगों ने जो है दस्तखत नहीं की थी। अब ये बात कर रहे हैं कि क्रेडिट किसका है, बात किसने उठाया है। जनाब अब्दुल वाहिद सिद्दीकी साहब रुकन ने सूबाई असेंबली अपनी करारदाद नंबर 78 पेश करे। गलत कर